हमारे सभी किसान भाइयों, यह आला एक वीर रस है। यह ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी चीज हो। आप देखिए, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि अशिक्षित हो, शिक्षित है। जो पीरों ने इतिहास लिखा है वो कहीं गलत नहीं लिखा है। आपको नहीं मालूम होगा कि पृथ्वीराज का और परमाल का एक पहला एक किशन के संबंध में हुआ था, जिसको मालूम हो तो हाथ उठा दे। आपने इतिहास पढ़ा होगा, संवत 1006 में, संवत 1181 में पृथ्वीराज और परमाल का पहला युद्ध ये भोजनियों की लड़ाई का हुआ। आपको देखना है कि अहला सम्राट राजन सिंह यादव गलत है, तो आप 18 पुराणों में मत पुराण उठाकर देख लेना। हो सकता है कोई इसमें मास्टर हो, शिक्षा बच्चों को देते हो, तो देखना संवत 1111 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, उसके बाद में जब पृथ्वीराज और आला युगल का युद्ध हुआ था। हेलो, मैं समय आने पर इतिहास का एक एक पन्ना पलट दूंगा, लेकिन ये मन हमारे माननीय सम्माननीय अधिकारियों का है और किसान भाइयों का है। ज्यादा समय नहीं है, साथ कभी समय मिला तो आपका इतिहास की ओर मैं पीरों की ओर ले चलूंगा। अगर किसी भाई को जरूरत हो आला करवाने के लिए तो मेरा मोबाइल नंबर आप फिट कर लें, 8736-8190-52 राजेंद्र यादव, अकबरपुर कानपुर देहात, ग्राम टोड़ा मोहम्मदपुर। नंबर फिर करें, 87-36-81-90-52 आला सम्राट राजेंद्र सिंह यादव, जनपद कानपुर देहात, ग्राम टोड़ा मोहम्मदपुर।
ध्यान आइए किस जगह पर ले चले आपको कि सिरसा में ले चले कि भुजरियों में ले चले मानव का संग्राम नहीं होगा क्योंकि इसी मंच के आधार पर काल मां का ही संग्राम हुआ था जो लड़ाई एक बार होती हूं मंच पर मैं दोबारा वो लड़ाई नहीं कहता हूं आज लेकिन आपने पढ़ा होगा कि बामन लड़ाई है लेकिन ये लोकल में बामन है जो अर्जनल थी जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने हरण किया था तो उस परमार राशों में 101 लड़ाइयां थी और मारो के सम्राट में पहला दोहा था कि गया न कीन ही जिनकर युगमा काशी व घोल दीन नानक है कबैरी जिन मारो ना उनका जन्म भारत जान तो आज बामनों लड़ाई में सबसे उस वक्त लड़ाई जो है तो मारो का संग्राम और सिरसा का संग्राम और शादियों में जितना मजा लाखन के गांव नाम है न मलखान के गांव नाम है उतना मजा केवल आला मंडली के शादी मछला में लेकिन आप ये भी नहीं जानते होंगे किसान भाइयों कि आहला का नाम मंडरीत कब से पड़ा जिस समय बामनगढ़ के राजा बैठे थे नैनागढ़ में राघव मच के तालाब में मीन मछली आप कोई नहीं मार पाया था केवल उदलने वाली थी बामनगढ़ में विजय प्राप्त करी थी आला और उदल ने वहीं से आला का नाम पड़ा था आला मंडरीत अवतार भुजा पुजा ली थी आई लेकिन वास्तविक में यह महोबा पृथ्वीराज का नहीं था ना महोबा आला उदल के बाप का था यह आला वास्तविक में महल के बाप वासुदेव का था जो पूरे बुंदेलखंड का राजा था अरे आल्हा का थे हतो महुबा महल के बाप का जबर ले आल्हा उदल लीन तो पैया और ना ही कलह महल मामा का दिल मरे उदय थे उदल जो मर जा मैं सब जंजाल दूर हो जाए Thank you.
हमारे श्री रामशंकर भैया जी की ओर से 11 गुरुपुत्रों का हमारे लिए सम्मान किया है और हमारे मंडल की ओर से आपको चंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए भेंट हुई है, बदान में भंडारा हरा भरा रहे।